ये है फोर्ड की EcoSport और आज से 5-6 साल पहले अभी लॉन्च हुई थी तो इसने सेगमेंट इंट्रोड्यूस करी थी कॉम्पैक्ट SUVs की। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिस्पाइट द न्यू राइवल्स व्हाई दिस कार स्टिल मेक्स सेंस और आपको क्यों फोर्ड के शोरूम जाकर इसको चलाना चाहिए और इस गाड़ी की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यू प्रेफर सम अदर कॉम्पैक्ट SUV तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं इस वाले बॉक्स को दबा के कौन सी आपकी बेस्ट SUV है कॉम्पैक्ट SUV और आप मुझे कमेंट्स में लिख के नीचे बता सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें, यहाँ पर नीचे बटन दबा के बेल आइकन को दबाएं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी सब्सक्राइबर लिस्ट बढ़ सके और हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल समझे मैन्युफैक्चरर्स और ऐसी गाड़ियाँ हम तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। अगर हम बात करें बूट की EcoSport की तो अपने आप में ठीक ठाक एड पाव विद अदर राइवल्स है। Nexon और Venue का भी रफली यही साइज़ का बूट है। बूट अपने आप में अच्छा है जैसा मैंने बोला, लेकिन सिर्फ एक नेगेटिव और वो ये कि इसका दरवाज़ा ऐसे खुलता है साइड में। तो अगर आप अपनी सासू माँ को लेने एयरपोर्ट जाएंगे या सोचिए अपनी आप मौसी को लेने एयरपोर्ट जाएंगे जो कि कैनेडा से सामान ला रही होंगे आपके लिए, तो अगर ऊबर वाला कोई और यहाँ ला के रोकता है तो आपको पहले उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी भाई थोड़ा पीछे कर ले क्योंकि मुझे अपने जो गिफ्ट्स कैनेडा से हैं वो रखने हैं गाड़ी में। और आपको खैर मैं क्या बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ये तो मैं आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको गाड़ी पीछे करवानी पड़ेगी दरवाज़ा खोलने के लिए और सामान आप ऐसे रख सकते हैं। बूट अपने आप में अच्छा है, मैं दूंगा बूट को एक डिसेंस को 8/10 अगर प्रॉपरली ऐसे हैच की तरह खुलता तो मैं 9 भी दे देता। सबसे इंप्रेसिव बात EcoSport के कैबिन की, जैसे आप बैठेंगे तो आपको लगेगी ये जब आप शोरूम जाएंगे और गाड़ी का दरवाज़ा बंद करेंगे बहुत ही सॉलिड और सेफ आवाज़ है। जब अपनी बीवी और बच्चों के साथ गाड़ी में बैठेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक सेफ्टी का और सिक्योरिटी का फील आएगा गाड़ी में, खासतौर पर जब आप लंबे सफ़र पर निकलेंगे। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है और यहाँ पे सारे स्विचेज़ हैं, सारे बटन्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के एट पा विद इट्स अदर राइवल्स। जो इस गाड़ी की खासियत है वो है इसका एक टच स्क्रीन फोर्ड सिंक 3 ऐप के साथ आता है एंड इट इज़ द बेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन ऑफर ऑन एनी कार एट दिस प्राइस पॉइंट। चाहे आप कोई भी गाड़ी ले लें, किसी भी सेगमेंट गाड़ी ले लें, इससे अच्छा टच स्क्रीन सिस्टम आपको किसी गाड़ी में इस दाम पर नहीं मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी लेजिबिलिटी, इसके फॉन्ट्स, मेन्यूज, सब मेन्यूज बहुत ही आसान है देखने में, चलाने में लैग नहीं करता, बहुत तेज़ है, एप्पल के आईपैड की तरह है ये। और इसका जो स्टीरियो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। दिस इज़ द बेस्ट सिस्टम ऑन सेल ऑन एनी कार स्पेशली इन द कॉम्पैक्ट सेगमेंट और आपको मज़ा आएगा चलाने में। अगर बात करें हम कम्फर्ट की, कम्फर्ट भी अच्छा खासा इन सीटों में। स्पेस की बात करें, ट्रेली प्लेसेस की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है, बहुत डीप बॉक्स है। यहाँ पे एक पर्ल पैड बॉटल रख सकते हैं आप कोक की या पेप्सी की। यहाँ पे दो आपको बेवरेज होल्डर्स मिलते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रे दी गई है जहाँ पे आप अपना घर की चाबी वगैरह रख सकते हैं। गाड़ी में सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल, साथ ही साथ आपको मिलते हैं 6 एयरबैग ऑन द टॉप वर्जन। साथ ही साथ इक्विपमेंट की बात करें तो इसमें आपको सनरूफ भी मिलता है। इस पर्टिकुलर मॉडल में नहीं है तो आप ये मत लिखना कि इस गाड़ी में तो नहीं था, लेकिन आपको मिलेगा एज एन ऑप्शन। साथ ही साथ आपको मिलते हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, आपको मिलता है टायर प्रेशर मॉनिटर और बहुत सारे अदर इक्विपमेंट इस गाड़ी में आता है, जो काफ़ी लंबी लिस्ट है। और ओवरऑल जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ दैट दिस इज अ वेरी इंप्रेसिव प्लेस टू बी। bootmo.com क्या है? वेल अब तक तो आप जानते हो दैट बूटमो आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट व्हेन कम्स टू स्पेयर पार्ट्स और इनके पास सारी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है, चाहे गाड़ी बनती हो या बननी बन भी हुई हो तो स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के लिए। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि सेम स्पेयर पार्ट अवेलेबल है डिफरेंट कॉम्पोनेंट मेकर से, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको प्राइसिंग को लेकर। इनके लेटेस्ट ऑफर्स को जानने के लिए आप जाइए इनकी वेबसाइट पर, या अगर आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते, फ़ोन से डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप, तो iOS डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर हम बात करें EcoSport की बैक सीट्स की तो जैसा आप देख सकते हैं हेडरूम अच्छा खासा है, ये रूम भी ठीक ठाक है और गाड़ी भी चौड़ाई में ठीक है, तो 3 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। जो फ्लो बोर्ड है थोड़ा सा उठा हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो तीसरा इंसान यहाँ पे आराम से अपने पैर फैला सकता है। जो सीट्स हैं उनमें कुशनिंग अच्छी दे रखी है, गद्दे अच्छे लगा रखे हैं, तो आपके अंडर थाइस को सपोर्ट अच्छा मिलता है, बैक रेस्ट एंगल भी काफ़ी अच्छा है। सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो उसका शीशा है पीछे का पूरा नीचे जाता है, तो अगर आप शिमला की तरफ जा रहे हैं तो आप आराम से ऐसे शीशा नीचे करके मज़े ले सकते हैं मौसम के और आप इन्जॉय कर सकते हैं उस वेदर को। ओवरऑल मुझे अच्छा लगा इस बैक सीट में बैठ के। एक और बात जो अच्छी इस सीट की वो है कि पीछे एक छोटा सा विंडो दिया हुआ है, छोटा सा ग्लास है, तो उससे कैबिन आपको काफ़ी खुला खुला लगता है, ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा, एयरी कैबिन लगता है। मैं दूंगा बैक सीट को EcoSport की स्ट्रॉन्ग स्कोर ऑफ 8.5/10। अब
कहते हैं अपने आप को एक कीन ड्राइवर, आप कहते हैं कि मैं गाड़ी लेता है शौक के लिए, चलाने के शौक के लिए, तो आपको सब गाड़ियां छोड़ के सेगमेंट में ये ले लेनी चाहिए एको स्पोर्ट, क्योंकि गाड़ी चलाने में आलीशान है, बेहतरीन है और ये आपकी शक्ल पे रौनक लेकर आ जाएगी। अगर आपका दिन ख़राब जा रहा है, अगर आपकी लड़ाई होगी घर पर अपनी वाइफ के साथ या बॉस कहते हो तो मैं कोई ऑफिस में, आप एक बार इस गाड़ी को लेकर जब निकलेंगे तो आप सब भूल जाएंगे और आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि जो एक गाड़ी है इट्स अ ब्रिलियंट ड्राइवर्स कार, इनफैक्ट दिस इज द बेस्ट ड्राइवर्स कार इन द कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच अदर कार इट टेक्स ऑन। और इसको जो बनाता है खास वो है इसका स्टेयरिंग व्हील, बहुत डायरेक्ट स्टेयरिंग व्हील है, बहुत क्रिस्प स्टेयरिंग व्हील है, बहुत ही एक्यूरेट स्टेयरिंग व्हील है, जितना आप मोड़ेंगे उतनी गाड़ी मुड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप ऐसा करेंगे और कुछ नहीं होगा गाड़ी में 1970s की पिक्चरों की तरह। और ये डायनामिक इसलिए भी है क्योंकि इसका जो चैसी है उसका बैलेंस बहुत अच्छा है, जो ग्रिप है टायर से वो बहुत बेहतरीन है, और जो इसका गेयरबॉक्स है जो मैनुअल गेयरबॉक्स है ये आलीशान है यूज़ करने में, चाहे पेट्रोल लें चाहे आप डीजल लें, दोनों ही गाड़ियों में आपको बहुत अच्छा गेयरबॉक्स मिलता है। साथ ही साथ इसके ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ब्रेकिंग पावर काफ़ी अच्छी है, एफिशिएंसी ब्रेक्स की काफ़ी अच्छी है, चाहे आप डीजल लें इस गाड़ी में, चाहे आप 1 लीटर वाला टर्बोचार्ज पेट्रोल लें, कोई सा भी इंजन लेंगे स्टेयरिंग व्हील सब पे मस्त है एकदम, बहुत एक्यूरेट है, बहुत अच्छा फीडबैक देता है, गेयरबॉक्स बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा गेयरबॉक्स इसलिए है क्योंकि थ्रोज बहुत शॉर्ट है, ज़्यादा भारी नहीं यूज़ करने में, और एक्यूरेसी में अच्छा है, स्टेयरिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि एक्यूरेट है, फीडबैक इसका अच्छा है, और ना ही ये ज़्यादा भारी है और ना ही बहुत ज़्यादा हल्का है। कभी कभी क्या होता है जब भारी स्टेयरिंग व्हील होते हैं तो आपको थका देते हैं, हल्के स्टेयरिंग व्हील होते हैं तो आपको नर्वस लगने लगता है, दिक्कत आपको इस गाड़ी में नहीं आएगी क्योंकि इट्स गॉट द राइट अमाउंट ऑफ वेट, द राइट अमाउंट ऑफ फीडबैक एंड द राइट अमाउंट ऑफ ओवरऑल कॉन्फिडेंस, एंड दिस इज अ ब्रिलियंट कार टू ड्राइव। चैसी भी इसका काफ़ी अच्छा है और सस्पेंशन की ट्यूनिंग भी बहुत ही बेहतरीन करी हुई है फोर्ड ने। तो ओवरऑल जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये, दैट नो मैटर व्हिच इंजन चूज, इफ यू कॉल योरसेल्फ अ कीन ड्राइवर जस्ट क्लोज योर आईज एंड बाय द फोर्ड एको स्पोर्ट। अगर आप मार्केट में डीजल इंजन लिए तो डेफिनेटली आपको यही गाड़ी लेनी चाहिए क्योंकि इसका जो इंजन है बहुत ही रिस्पॉन्सिव इंजन है, करीब 1400-1500 आरपीएम के आसपास काफ़ी अच्छा है रिस्पॉन्सिवनेस देने लगता है डीजल वाला इंजन, और ये बड़ा शांत इंजन भी है, जब इसे भगाएंगे भी हाईवे पर तो शांत रहेगा। एक और बात इसकी अच्छी है कि पावरफुल इंजन भी है, 100 BHP का इंजन है और फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी देता है। हम इस गाड़ी को रखे हुए हैं पिछले 3-4 दिनों से अपने पास और ये हमारे को फ्यूल एफिशिएंसी एवरेज पे दे रहा है करीब 18-19 की, जो कि काफ़ी अच्छी है क्योंकि हम एसी भी यूज़ कर रहे हैं गाड़ी का और ट्रैफिक में चला रहे हैं ज़्यादातर इसको, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, इट्स अ रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी फिगर दैट आई एम टेलिंग यू। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ इफ यू आर इन द मार्केट फॉर अ डीजल कॉम्पैक्ट एसयूवी, सबको भूल के आपको ये गाड़ी ज़रूर देखनी चाहिए। इट हैज़ माई स्ट्रॉन्ग डबल थम्स अप एंड आई थिंक दिस इज ईजिली द बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी। ओवरऑल फोर्ड एकोस्पोर्ट में सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग है और वो है कुछ कनेक्टेड एप्स, कुछ फैंसी फीचर जो इसके नए राइवल्स में आते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जब आपके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आएगा तो आप उन कनेक्टेड ऐप्स का करेंगे क्या, आप गाड़ी बाहर से स्टार्ट कैसे करेंगे जब नेटवर्क का हमेशा इशू रहेगा। तो उसके अलावा दिस रियली डज कम क्लोज टू परफेक्शन इन द कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस। ये गाड़ी है चलाने में अच्छी, ये गाड़ी है सेफ्टी के मामले में अच्छी, ये गाड़ी है स्पेस के मामले में अच्छी, और ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट थी एको स्पोर्ट इज़ अ वेरी वेल इंजीनियर्ड कार एंड आई थिंक दिस इज़ द टॉप डॉग इन इट्स सेगमेंट। आपको डेफिनेटली गाड़ी चेकआउट करनी चाहिए फोर्ड की डीलरशिप पे जाके, महिंद्रा के साथ नए अलायंस के बाद फोर्ड की आफ्टर सेल सर्विस और वारंटी पैकेजेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।